कन्या राशि 2022 दिसंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा, तो आइए जानते हैं कन्या राशि वालों का फल। लेकिन इससे पूर्व मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि हम जो राशिफल लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं, दैट इज आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है ये फलित उस हिसाब से है। कृपया इसको आप सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक। तो आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो कन्या राशि वाले जितने भी जातक है, महीना आपके लिए धन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सुंदर व्यतीत होगा। फाइनेंस में वृद्धि, जॉब में प्रमोशन के योग, सैलरी इंक्रीमेंट, बोनसेस इस महीने खूब आपको मिलेंगे। रेकग्निशन, पोजिशन, स्टेटस सब बढ़ने की पूर्ण उम्मीद बनी हुई है। जॉब में है तो इच्छित लेवल पे आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा करेंगे, कंपनी को फायदा दिलाएंगे, उससे कंपनी आपको फायदा देगी। बिजनेस में है तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सुंदर डील्स मिलेंगी जो पूंजीभूत होंगी, जिससे धन वर्षा होगी। तो बहुत ही अखंड धन धान्य का योग बना हुआ है। एक बात ध्यान रखिए, जब आपको ये सब योग पूंजीभूत हो तो 10% ऑफ योर प्रॉफिट को दान कर्म में जरूर लगाना है। आपको अपनी धनराशि को शुद्ध अवश्य अवश्य करना होता है ताकि किसी भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग घर में प्रवेश ना करें, ये अवश्य करना है, ठीक है। जैसे दान धर्म में आप लगा सकते हैं, किसी को दान कर सकते हैं या किसी चीज़ को फाइनेंस कर सकते हैं, स्टडीज हो या कुछ हो, अपने तरीके से जो भी आपको सुविधा से लगे कि मुझे ये चीज़ करनी है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ खास नहीं है जो कन्या राशि वालों को मुझे बताना हो। घर में भी सुख समृद्धि योग बना हुआ है, आपसे लोग मिलने के लिए आना चाहेंगे, आप फैमिली टाइम अच्छा व्यतीत करेंगे, घूमने जाएंगे अपनों के साथ, मतलब इट इज़ अ टोटल हैप्पी टाइम फॉर यू। दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही प्यारा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं खास है जो मुझे आपको बताना है। जॉब वाले और बिजनेस वालों को मैंने बता दिया। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा योग बना हुआ है, यदि आप कोई एंट्रेंस देना चाहते हैं तो वो उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन करें, रिजल्ट आपके फेवर में बहुत आ सकता है क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम चल रहा है। तो योग सब कुछ फेवरेबल है, कंडीशंस फेवरेबल है, ओनली द थिंग यू नीड टू डू इज टू परफॉर्म वेल। मेहनत पूरी करनी है, अच्छा परफॉर्म करना है, ये बहुत बहुत आवश्यक है, फोकस को लूज नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं मैरिड एंड मैरिड कपल्स में, तो हम देखते हैं कि उसमें भी अच्छी हार्मनी बनी हुई है, एवरीथिंग इज गुड। तो कुछ खास है ही नहीं जो मैं आपको बताऊँ, सब कुछ सुंदर है प्रभु कृपा से और आपके अच्छे कर्मों के कारण, तो आपको भी बधाई कि आपने अच्छे कर्म किए हैं। अब हम आ जाते हैं हेल्थ पे, तो हेल्थ भी आपकी अच्छी नजर आती है। ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक ज्यादा रखिए और मिल्क प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा कम रखिए। ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा, मिल्क प्रोडक्ट थोड़ा सा, जितना खाते हैं उससे थोड़ा सा कम, तो ये आपके लिए हेल्दी रहेगा। एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू बी वेजिटेरियन। मैं हमेशा बोलती हूँ सारे राशि वालों को कि वेजिटेरियन होना बहुत जरूरी होता है ताकि हमारे अंदर जो सत्व रज तम तीन गुण चल रहे हैं उसमें से सत्व गुण की वृद्धि हो। सत्व गुण की वृद्धि हमारी जिंदगी में शांति, प्रसन्नता, प्रेम, हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन, ये सब कुछ लेकर आती है क्योंकि ये सत्व गुण के गुण है। अगर ये सारी चीजें चाहिए तो सत्व गुण को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और सत्वगुण आहार से भी बढ़ता है, आहार भी शुद्ध होना चाहिए, तो ये सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप माता रानी को वो जो घंटे वाला फूल होता है लाल रंग का, वो अर्पित कर सकते हैं रोज, आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। और क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो फिर आप उस घंटे वाले फूल की टी बना सकते हैं और टी बना के उसको पी सकते हैं, हिबिस्किस फ्लावर बोलते हैं, उसकी टी बना सकते हैं, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। ये सर्दियों में खास करके अच्छा रहता है क्योंकि फ्लावर टी थोड़ी सी गर्म होती है, माता का फेवरेट फूल है, इसलिए पहले उनको चढ़ाएं उसके बाद उसकी टी बना के पियेंगे। तो मैं हमेशा बोलती हूँ प्रभु को अर्पित करके, माँ को अर्पित करके जब आप किसी चीज़ का उपयोग करते हैं तो उसका अपने ओरिजिनल बेनिफिट से अनंत कोटि ज्यादा बेनिफिट होना आपकी बॉडी में शुरू हो जाता है, आपके आसपास शुरू हो जाता है, आपकी जिंदगी फूलों से भर जाएगी, आपकी जिंदगी में रंग आ जाएंगे, आपकी जिंदगी में सुगंध आ जाएगी, आपकी हेल्थ ब्लूम करेगी, ठीक है। लकी कलर आपके लिए निकल कर आ रहा है रेड एंड येलो, ऐसे कलर के पदार्थ प्रभु को खिला सकते हैं और फिर स्वयं खा सकते हैं, ऐसे कलर के कपड़े पहन सकते हैं, प्रभु को पहले अर्पित करें नए खरीद के फिर पहने, या उन्हें ऐसा कोई जोड़ा पहनाए प्रभु को, और देखें अपने जीवन में आपके कितना रंगी रंग भर जाते हैं। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ, हैप्पीनेस के साथ, प्रभु की रोज आराधना करते हुए ये जो समय ऑलरेडी इतना सुंदर है इसे और सुंदर व्यतीत कर लीजिए। धन्यवाद।